याफ्ता हैं। रिम्स के पेइंग वार्ड में उनका इलाज चल रहा है। जमानत नहीं मिलने के कारण चुनाव में लालू का ठेठ अंदाज नहीं दिख रहा, लेकिन चुनावी मौसम में गाहे बगाहे लालू की चर्चा जरूर हो जाती है। आरोप था कि लालू जेल से मोबाइल पर बात करते हैं। अब मंत्री मंगल पांडे ने एक बार फिर लालू पर निशाना साधा है और आरोप लगाया है कि लालू जेल से सियासत कर रहे हैं। मांग उन्होंने की है मंगल पांडे ने कि चुनाव आयोग इसका संज्ञान ले। फिर विवादों में घिरे सुप्रीमो, जेल से राजनीति का लगा आरोप, लालू के विरोधी हुए लाल। इस चुनाव में जनता ना तो लालू का ठेठ और अल्हड़ अंदाज देख पा रही है, ना ही उनकी सतरंगी अदा। चारा घोटाले में सजायाफ्ता लालू यादव रिम्स के पेइंग वार्ड में इलाज करा रहे हैं। उन पर जेल से फोन के इस्तेमाल के आरोपों ने बिहार की सियासत में बवंडर ला दिया था। अब एक बार फिर बिहार सरकार के मंत्री मंगल पांडे ने लालू पर गंभीर आरोप लगाए हैं। मंगल पांडे का कहना है कि लालू जेल से ही राजनीति कर रहे हैं, लिहाजा चुनाव आयोग इस मामले में दखल दे। पता नहीं लालू जी कैसे राजनीति कर रहे हैं, जेल के अंदर से ये चुनाव आयोग को जरूर देखना चाहिए। बीजेपी के इन आरोपों का जेडीयू ने भी समर्थन किया है और झारखंड सरकार से सख्त कार्रवाई की मांग की है। मैंने स्वयं सुना है अपने किसी साथी के पास जेल से, और जो वीडियो ऑडियो आपके पास है उसमें लालू जी की जो आवाज़ है, मैं चाहता हूं कि उसको भी टेस्ट करा लीजिए। बिल्कुल सही आरोप है और हमारे नेता बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने भी कहा कि वो टेलीफोन पर लोगों से बातें कर रहे हैं। जिस तरह से जेल से वो महागठबंधन में शामिल दलों में किसको कौन सी सीट दी जाएगी और कहां किसको मनाना है, वो सारी चीजें वो जेल से संचालित कर रहे हैं। बीजेपी और जेडीयू के आरोपों को आरजेडी लालू के खिलाफ साजिश बता रही है, विरोधियों पर बेवजह सियासत के आरोप लगा रही है। चुनाव आयोग को कह करके खुद नीतीश कुमार ने बयान दिया कि रोज टेलीफोन से बात करते हैं। जिस दिन बयान दिया उस दिन जो है उनके वार्ड की तलाशी हुई, कहीं कोई ऑब्जेक्शनेबल सामान नहीं निकला, और एक बार नहीं तीन तीन चार चार बार तलाशी हो चुकी है। आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव पर इससे पहले भी जेल से फोन के इस्तेमाल का आरोप लगे थे, जिसके बाद उनके वार्ड में ताबड़तोड़ छापेमारी भी की गई थी। अब फिर से जेल से राजनीति करने के आरोपों ने बिहार में सियासी तपिश बढ़ा दी है, जिसका असर जुमानी जंग में बढ़ती तलखी के तौर पर सामने आ सकता है। दिल्ली से स्वप्निल सोनल और पटना से आशुतोष चंद्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट,